बोर्ड एग्जाम्स के जब रिजल्ट आते हैं तो हर स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम अगली बार देने वाला होता है उसके मन में भी यह सवाल आते हैं कि जिनके रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने किस तरह से बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर किया है। क्योंकि इससे पहले तक हम यही सुनते हैं कि अब तुम बोर्ड्स में आ गए, आपके घर पे आपके माता पिता आपके टीचर्स आपको ये कहते हैं कि अब आप बोर्ड एग्जाम में आ गए तो आपको अपनी अब सारी मस्ती सारी चीजें आपको जो बदमाशी आप करते थे वह सारी चीजें आपको छोड़नी है और डिसिप्लिन्ड होकर के आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आप सभी को बताई जाती है। और जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर्स के आप मार्क्स देखते हैं तो आपके मन में भी एक इच्छा जागती है कि आपको भी इन्हीं के तरह अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, ताकि आपको भी एक रिकॉग्निशन मिले, आपको भी एक पहचान मिले और अपने आप को आप प्रूफ कर पाए कि आप सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ स्टडी हैबिट्स के बारे में, ऐसे ही कुछ वेज के बारे में जिसे आप स्टार्टिंग से फॉलो करके आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का, बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करने का अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि एक क्लास में जब बोर्ड एग्जाम की क्लास है उसमें 50 से 60 बच्चे, जितने भी बच्चे आपके क्लास में होंगे, उसमें हर बच्चा टॉप नहीं करता। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि उसमें वो हैबिट्स नहीं होती जो कि एक टॉपर पूरे साल पूरे ईयर में फॉलो करता है। उसके हर ईयर का एक प्लान होता है जिसे वह किसी भी हालत में कैसे भी फॉलो करता है। सबसे पहले जान लीजिए कि देखिए जैसे जैसे आपके दिन बीतेंगे, जैसे जैसे आपके एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपको ये लगेगा कि मेरा बहुत सारा कोर्स है जिसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, इसी वजह से मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे। सबसे पहले जानिए कि एक टॉपर हर एग्जाम की अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, चाहे वह उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स हों जिनके मार्क्स नहीं ऐड होते, फिर भी वह बहुत अच्छे तरीके से उस एग्जाम को देता है। और चाहे वह प्री बोर्ड्स हो, प्री बोर्ड्स के लिए भी एक टॉपर स्टूडेंट स्ट्रेटेजी बनाकर जाता है कि मुझे अगर मैंने प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा किया तो ये कॉन्फिडेंस मुझे बोर्ड के लिए आगे मोटिवेट करेगा और मैं बहुत अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में करूंगा। देखिए आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करना हो तो अपने अंदर सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी लेकर के आइए। आप हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहिए, कहने का मतलब ऐसा आप ना करें कि आपने दो दिन 8-8 घंटे पढ़ाई की और बाकी 3 दिन आपने गैप किया। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के पहले दिन से, जब आप क्लास में जाते हो पहले दिन से खुद से ये वादा करो कि मैं डेली एनी हाउ कोचिंग ट्यूशन स्कूल को छोड़ करके मैं 4-5 घंटे अपने बोर्ड एग्जाम के स्टार्टिंग में सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी पर दूंगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ये कि आप चीजें अपने तरीके से अपने वे में सेल्फ नोट्स के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं और ऐसा आप पूरे थ्रू आउट द ईयर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता मिलेगी। आपको हमेशा बस कॉन्टिन्यूअस रहना है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस हो तो आप उन बच्चों से बहुत आगे हो जो साल के अंतिम क्षणों में पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि बोर्ड अपने सिलेबस को इसी तरह डिजाइन करता है कि आपको साल भर इक्वल एफर्ट के साथ तैयारी करनी होती है। दोस्तों यही सबसे बड़ा बेसिक अंतर होता है आपके बोर्ड एग्जाम के क्लास में और क्लासेस में आपके सबसे बड़ा अंतर यही होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको शुरुआत से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कहने का मतलब आपको स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई इस तरह से करनी है कि जिससे आप एग्जाम के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। कहने का मतलब जो आपने एक वीक में पढ़ाई की, अपने आप में एक ऐसा दिन रखिए कि आप उस हर दिन पर इवैल्यूएशन अपने आप का करें। मान लीजिए कि आपने मंडे से सैटरडे तक बहुत अच्छी पढ़ाई की, सभी सब्जेक्ट्स को आपने टाइम दिया और आपने कुछ ना कुछ सब सब्जेक्ट्स में सीखा, तो आप कोशिश करें कि संडे के दिन आप ऐसे कुछ चीजें करें जैसे कि अपने आप को आप इवैल्यूएट कर पाएं। जो चीजें आपने पढ़ी उसे लिखिए, उसकी टेस्टिंग करिए या फिर ग्रुप्स को फॉर्म करके अपने ग्रुप स्टडी में भी आप अपने हर वीक का रिव्यू लेते जाइए और देखिए कि आपने जो 6 दिन मेहनत की अपने लिए उसको जो अंतिम दिन में आपने कितना सीखा, कितना आपने रिटेन किया, कितना आपने अपने आप में कंजर्व किया। ये सारी हैबिट्स आपको एक टॉपर बनाने की तरफ लेकर के जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे
पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, अपना इवैल्यूएशन नहीं करते। अगर अपना इवैल्यूएशन आप नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही या नहीं। तो सबसे ज्यादा सीखने पर ध्यान रखें, उससे भी ज्यादा अपनी बार बार रेगुलर टेस्टिंग आप करते रहिए। यही आपके बोर्ड एग्जाम में सफलता का दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। अगली बात ध्यान रखिए कि जब आपको कॉन्सेप्ट अगर अपने क्लियर करने हैं, आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड ऑफ एजुकेशन पे आप कम से कम फोकस करिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक बोर्ड एग्जाम में कुछ साल पहले तक, तो आज से 3-4 साल पहले तक ऑफलाइन एग्जाम्स ही होते थे, कहीं ना कहीं ऑफलाइन एग्जाम होते थे, हम ऑफलाइन कोचिंग्स जाते थे और हमारी डिपेंडेंसी हमारे कोचिंग के टीचर पर, स्कूल के टीचर्स पर होती थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों कोविड-19 की वेव चली और आपने देखा कि ग्लोबल पैंडेमिक आया, तो एजुकेशन जो मोड है वो हमेशा शिफ्ट हो गया ऑनलाइन की तरफ। और आज ऑनलाइन में इतने बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जस्ट अ क्लिक YouTube जैसे ओपन प्लेटफॉर्म पे जा करके आप अच्छी से अच्छी वीडियोस को एक्सेस करके, देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक नॉमिनल फीस में, बहुत ही कम फीस में आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक टॉपर बने, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के बीच में सामंजस्य बना करके आपको पढ़ना है। एक आपको भी बना करके चलना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपके अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट्स हो और बहुत अच्छे तरीके से आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें उन टॉपिक्स को बहुत ही क्लियरली पढ़ें। अगली बात ध्यान रखिए कि एक टॉपर बनने के लिए आपके पास सबसे बड़ी स्किल जो होनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। दोस्तों ये एक ऐसी स्किल है जो हर टॉपर अपने आप में एनालाइज करता है, हर टॉपर अपने आप में सीखता है। आपको करना यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट्स उन्हें पसंद होते हैं। जैसे अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, तो जिस बच्चे को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है वो साल भर आप देखोगे कि मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करेगा, साइंस पे ज्यादा फोकस करेगा और बाकी सब्जेक्ट्स SST, इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को छोड़ देता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में हर सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल हो, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह इंग्लिश है, चाहे वह मैथ्स है, चाहे वह साइंस है। तो अगर आप मैथ और साइंस पर ही फोकस करेंगे तो सिर्फ आप 200 मार्क्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देंगे, हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से ही बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी टॉपर का रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो आप देखोगे उसने हर सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर किया है, बजाय मैथमेटिक्स साइंस के उसने अदर सब्जेक्ट में फुल के फुल मार्क्स भी लिए हैं और मैथ साइंस में उसने जरूर अच्छा किया है, क्योंकि वो उसके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसे पता है कि वो 11th में कौन सी साइड चूज करने वाला है, इसलिए उसके वो फोकस वाले सब्जेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको स्कोर करने का बहुत अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटेजी बना करके चलना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सही तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगली बात दोस्तों जो लास्ट स्टेप है, लेकिन हर बोर्ड परीक्षार्थी के लिए ब्रह्मास्त्र है, जो कि दोस्तों मैंने भी, आप सभी जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो अप्लाई आप करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर टीचर, हर यूट्यूबर आपको रिकमेंड करता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 3-5 ईयर्स के आपको सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि इससे आप बोर्ड एग्जाम के माइंडसेट को समझ सकते हो, बोर्ड एग्जामिनर के माइंडसेट को आप समझ सकते हो, किस तरह के पेपर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये आपको सिर्फ एक ही चीज सिखा सकती है, वह है बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको PYQs पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और तैयारी में स्टार्टिंग में ही, जैसे मान लीजिए कि आपने फिजिक्स में अभी एक चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको 5 सालों के पेपर उठाने हैं और ये चेक करना है कि इन 5 सालों में जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, जिस चैप्टर में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस चैप्टर में कोई भी गलती करने वाला नहीं हूँ, आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पिक करिए, उनके आंसर्स को लिखिए और इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों अगर आप इस वे में तैयारी करते हो तो निश्चित है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में सफलता मिलेगी और जिस जगह अपने नाम को आप देखना चाहते हो मेरिट लिस्ट में टॉप पर, उस जगह आप पहुंचोगे। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको स्टार्टिंग से आप कैसे पढ़ें जो कि आप एक टॉपर बने, इस बात को समझा पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हर उस दोस्त में शेयर करें जो पूरी मेहनत के साथ, जो पूरी ऊर्जा के साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने वाला है, जो जिसने बोर्ड एग्जाम को पहली बार जो देने जा रहा है, जो 12th में है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।